अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाजिब खान और आज हमारे साथ जोया है मॉडल। आज हम आपको एक मेकअप करना सिखाएंगे। मेकअप क्या है हम शूट कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप तक जो आप सीखना चाहते हो, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, आप लोग आराम से सीख लें। तो एज यू कैन सी जोया की स्किन बड़ी साफ सुथरी क्लियर है, लेकिन हम फाउंडेशन जरूर मैं बताऊंगा, वरना हमने हल्का सा मॉइस्चराइजर पहले लगा दिया है। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो ये SL बेसिक्स का हमने फाउंडेशन लिया, दिस इज समथिंग वेरी गुड, और हम उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, चाय आ गई है। ओके, ब्यूटी ब्लेंडर। अच्छा, हमने थोड़ा सा डार्क इसलिए रखना है क्योंकि हमें पाउडर लाइट लगाना है और हमें एक बीच की ट्रेंड क्रिएट करनी है। अच्छा, जोया की जो स्किन है वो बहुत लाइटर टोन है, तो हमने थोड़ा सा डार्क रखा है, और डार्क इसलिए रखा है क्योंकि हमें पाउडर लाइट लगाना है, जो शूट के लिए हम मेकअप कर रहे हैं। पर आप ये वैसे भी मेकअप कर सकते हैं, जो थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़कियां हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ट्यूटोरियल होगा। गर्दन पे भी हम करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए पूरा। आंखों के ऊपर भी हल्का हल्का सा हम इसी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लगाएंगे और पूरे फेस को इस तरीके से अच्छे से लगा। मेक श्योर करें कि बेस अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए, बेस पूरी लग चुकी है, फाउंडेशन पूरा लग चुका है। अब हम पाउडर लगाएंगे। ये मैक का NC35 है, दिस इज माई फेवरेट शेड, क्योंकि जब हम फाउंडेशन डार्क लगाते हैं तो मैं हमेशा पाउडर लाइट लगाता हूँ ताकि एक बीच की ट्रेंड क्रिएट, बीच की ट्रेंड मिडिल की ट्रेंड क्रिएट हो जाए। लुक पूरे फेस पे हमने इस तरीके से इसे टैप करना है। आंखों के ऊपर भी लगाएंगे इस तरीके से पाउडर, और हम नेक पे भी पाउडर को पूरा हम इस तरीके से लेंगे। अच्छा, नेक हम एंड में पूरा और कवर कर देंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको मेकअप बताएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, बड़े ब्रश की मदद से हमने इसी पाउडर को NC15 को आंखों के नीचे ब्रश की मदद से लगाना है, लाइक दिस। आप लोग देख रहे होंगे अब ये उतना डार्क नहीं है जितना हमने डार्क लगाया था, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कंटूरिंग। मेक श्योर करें कंटूरिंग के लिए डार्क ब्राउन शेडो लेंगे। अच्छा, ये पैलेट मेरा खत्म हो गया है, लेकिन मैट फिनिश डार्क ब्राउन लेना है, और नहीं ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। कान के सेंटर से हमने लाइन क्रिएट किया लाइक दिस, और हल्का सा अपर डायरेक्शन में सी। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से एंगल मेक श्योर करें कि आपका एंगल बड़ा परफेक्ट हो लाइक दिस, और अपर डायरेक्शन में उसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, चिन पे हल्का सा करेंगे, हल्का सा इसी ब्रश को हम नाक पे करेंगे। जोया की जो नोज है वो वैसे बड़ी शार्प है, तो हम हल्का सा सिर्फ कलर ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम बड़े ब्रश के साथ इसको पिंक के साथ ब्लेंड करेंगे लाइक दिस। और हल्का सा नोज पे भी इसी तरीके से, और चिन के ऊपर भी। सो हमारा कॉन्टूर हो गया, फाउंडेशन हो गया, अब हम आईब्रो करेंगे। आईब्रो हम डार्क कलर से करेंगे, और इसको हल्का सा ऊपर से बनाएंगे लाइक दिस।
बहुत थिक नहीं करेंगे क्योंकि जोया की फिर भी थोड़ी सी अपनी नेचुरली थोड़ी सी थिक है, तो हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। एज यू कैन सी हमने सिर्फ उसको फिल इन कर दिया है। दूसरे आईब्रो भी इसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा आगे नहीं आता हमने आईब्रो भी शेप अप कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमने कोई आई शेडो नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, हमने आंखें बंद की, हमने आंखों के ऊपर पाउडर लगाया हल्का सा, जिस पाउडर से हमने पूरे फाउंडेशन के ऊपर पाउडर अप्लाई किया था, हमने पाउडर लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, लाइनर का ब्रश लेना है हमें, और आई लाइनर हमें लगाना है। आईलाइनर लिया और आईलाइनर हमने थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, पानी ज्यादा लेना, लाइनर का जो प्रोडक्ट है इसको भी हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है। और उसके बाद हमने आंखों के सेंटर में इस तरीके से हमने लाइनर लगा दिया और उस लाइनर को हमने एक ड्राई ब्रश के साथ ब्लेंड, ब्लेंडिंग करनी है बी शेप में। एज यू कैन सी मैंने कोई कलर नहीं ऐड किया, मैंने कोई कुछ नहीं लगाया, हमने उस लाइनर को ब्लेंड किया। उसके बाद हम बड़े ब्रश की मदद से उसको हम थोड़ा सा, ये जो लाइन क्रिएट हो गई उसको हम और ब्लेंड करेंगे ताकि कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है पता ना चले। सी सो हमारा एक आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने इसी कलर को, हमने डार्क ब्राउन शेडो को हल्का सा आपके नीचे ऊपर देखो आपके नीचे फैला के लगाना है ताकि स्मोकी सा लुक क्रिएट हो जाए लाइट। सी आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं एक आंख और दूसरी आंख देख सकते हैं और उस लाइन को भी हमने इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। सो हमारा एक आई मेकअप कंप्लीट हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा और दूसरी आंख भी हम इसी तरीके से करेंगे, आप मेरे साथ हैं। अगेन हमने दोबारा से लाइनर का ब्रश उठाया, आई लाइनर लगाया इस तरीके से करके और एक थिक लाइनर की लाइन हमने लगा दी और उस लाइनर को हमने ड्राई ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया सॉकेट लाइन के अंदर। सी हमने ब्लेंड कर दिया अच्छे तरीके से, अभी जो लाइन क्रिएट हो गई हमने उसको एक ड्राई ब्रश के साथ सी बहुत सॉफ्टली आपने उसको ब्लेंड कर दिया, पता भी ना चले कि कलर कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। सी हमारा ये लाइनर अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया। अगेन हमने क्या किया, दोबारा डार्क ब्राउन शेडो लिया और आंख के नीचे, पूरी आंख के नीचे आराम से इस तरीके से फैला दिया। अगेन फिर उसी बड़े ब्रश की मदद से हमने इसको और फैला दिया। उसके बाद क्या किया हमने, ओके सम टाइम आपके हाथ से मेकअप आपके हाथ में होता है, कभी फोरहेड पर लग जाता है, कभी कहीं लग जाता है, तो उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से दोबारा से टैप करके नीट करके पाउडर की एप्लीकेशन करें। उसके बाद हमने क्या करना है, मस्कारा लगाना है
मस्कारा लगाना है अच्छी तरीके से। दोबारा से हल्का सा जैसे ओके, दोबारा से हल्की सी लाइनों की लाइन लैश लाइन के साथ साथ लगाऊंगा ताकि फिनिशिंग वाला लुक आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, लिप कलर लगाना है जो बहुत नेचुरल सा लिप कलर है। एक तो मेरे पास है मैक का सूरत कलर, उसको मैं बहुत हल्के तरीके से पूरा शेप दे दूंगा। तो खुद लगाऊंगा मैं, आप लगा रहे हैं So, हमारी लिपस्टिक कंप्लीट हो गई है और अब हम हल्का सा हाइलाइटर लगाएंगे और ये बेका का हाइलाइटर है, दिस इज समथिंग वेरी गुड। हल्का सा नाक के सेंटर में मैंने लगाना है, बिल्कुल हल्का सा सेंटर में हियर और थोड़ा सा फोरहेड पे, और फैन ब्रश की मदद से हल्का सा चीक्स पे लाइक दिस हल्का सा इधर और हल्का सा लिप पर। और अब हमने क्या करना है, पाउडर नेक पे और बैलेंस करने के लिए एज यू कैन सी हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और फीडबैक जरूर दीजिए और थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा करीबला Thank you.